ईरान और इसराइल में शनिवार रात को भूकंप आया। दोनों भूकंपों की टाइमिंग में थोड़ा आगे पीछे रहा। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया है। दरअसल ईरान में यह भूकंप सेमनान प्रांत के अरादान शहर में आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 रही। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप स्थानीय समयानुसार रात करीब 10:45 पर आया। इसका केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप की राजधानी तेहरान तक महसूस हुए, जो भूकंप के केंद्र से 110 किलोमीटर दूर है। इसके कुछ मिनट बाद इसराइल में भूकंप की खबर आई। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र यानी ईएमएससी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में ये भूकंप का झटका 12 बजे के आसपास आया, लेकिन इसकी तीव्रता बेहद कम रही। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर इन दोनों देशों में आए भूकंपों को ईरान के परमाणु परीक्षण से जोड़ने लगे। कई रिपोर्ट्स में ये अटकलें लगाई गई हैं कि ईरान ने भूमिगत यानी अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया है, जिसके चलते दोनों देशों में ये झटका लगा, कोई भूकंप नहीं आया था। वहीं एक रिपोर्ट ने दावा किया कि ईरान में भूकंप परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बहुत करीब आया। ऐसे में यह झटका भूकंप का ही था या फिर न्यूक्लियर टेस्ट का, ये कहा नहीं जा सकता। वहीं एक और रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान में आया भूकंप एक भूमिगत परमाणु परीक्षण हो सकता है, क्योंकि इसका केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई में था। ऐसे में ईरान के परमाणु टेस्ट की अटकलें और गहरी हो गई है। दरअसल ईरान में और इसराइल में ये भूकंप दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। हिजबुल्ला नेता असद नसरल्लाह और हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने इसराइल पर 300 मिसाइलें दागकर हमले कर दिए, जिसके बाद इसराइल ने जिसका जवाब देने की कसम खाई है। इस पर ईरान ने भी इसराइल को 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हमला झेलने की चेतावनी दे दी है। ऐसे में वो अब अपने परमाणु संयंत्रों पर लगातार काम कर रहा है। जिस तरह की भूकंपीय लहरें उठी हैं, उनसे लगता है कि ये संभव है कि वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ हो, लेकिन इसके लिए ईरान को पहले से काफी तैयारी करनी पड़ी होगी। जैसे नानताज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट की उन्होंने किलेबंदी की, उसे अंडरग्राउंड कर दिया। ऐसी गतिविधियाँ सैटेलाइट की नजरों से छुप नहीं सकती। उधर न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जरूरी तकनीक जो है, क्या वो ईरान के पास है या उसे किसी अन्य देश ने दे दी है, जैसे रूस, लेकिन इसकी अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई है। अगर परमाणु परीक्षण होने के पुख्ता सबूत मिले तो इससे इंटरनेशनल राजनीति का जलवायु परिवर्तन होगा, इसराइल और अमेरिका भड़केंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास हथियार बनाने लायक परमाणु ईंधन नहीं है। उसके न्यूक्लियर एसेट्स कमजोर हैं। वेपन ग्रेड मटेरियल कहाँ से आया, किसने दिया, इससे पूरी दुनिया में खलबली मचेगी।